अभी अपने पास दिल्ली में 600 एमजीडी सीवर साफ करने की कैपेसिटी है, जबकि चाहिए अपने को 750, 800, 850 के करीब। तो पहला हम काम ये कर रहे हैं कि सीवर ट्रीटमेंट के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर अब काम कर रहे हैं। सीवर ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं, तीन चीज़ें कर रहे हैं। एक, नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, जैसे कोरोनेशन प्लांट बन रहा है, ओखला ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, कोंडली ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, रिठाला ट्रीटमेंट प्लांट, ये तो नए बन रहे हैं। एक तो नए खूब सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तीसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं इनमें मोस्टली प्लांट्स पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन प्लांट्स में सीवर ट्रीटमेंट होने के बाद भी पानी गंदा रहता है। फिर क्या कर रहे हैं, एसटीपी की तरफ, कि वो उनका सारा पानी एसटीपी में चला जाए और कुछ नालों को वहीं पे इन सीटू हम सफाई करेंगे। तो नजफगढ़ ड्रेन, बादशाहपुर ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और गाजीपुर ड्रेन, इन चार ड्रेन्स का इन सीटू सफाई का पूरा काम शुरू हो गया है। तीसरा, जो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कानूनी रूप पे कागजों में तो लिखा हुआ है कि सारे की सफाई होती है, होती नहीं है प्रैक्टिकली। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो कागजों में दिखा देते हैं कि हमने ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा, लेकिन वो चुपके से बदमाशी करके उसमें नाले में डाल देते हैं और फिर वो नाले सारे यमुना में आ जाते हैं। तो इसके ऊपर नकेल कसेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर नकेल कसेंगे। जितने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो काम सही से नहीं कर रहे, उनको सही से काम करवाया जाएगा। और इंडस्ट्री, जो जो इंडस्ट्री अपना ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट नहीं भेजेगी, उस इंडस्ट्री को बंद किया जाएगा। इंडस्ट्री को, सारी इंडस्ट्रीज को अपना सारा जो वो है, गंध है, वो ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लांट पे भेजना होगा। चौथा, दिल्ली में जितने झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स हैं, इन झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स में जन सुविधा कॉम्प्लेक्स हैं, उनके टॉयलेट्स हैं, वो टॉयलेट्स का सारा गंदगी जो है वो कुछ जगह तो सीवर में जाता है, लेकिन कई जगह पे ये स्टोम वाटर ड्रेन में, जो बारिशों के पानी वाली नालियाँ हैं, नालियों में बहा दिया जाता है। इन सारों, इसको बंद किया जाएगा और जन सुविधा कॉम्प्लेक्स को बंद नहीं किया जाएगा, जो आउटपुट है उसको स्टोम वाटर ड्रेन की बजाय बगल से जो सीवर का वो बह जा रहा है, पाइप जा रहा है, सीवर में उसको अटैच किया जाएगा। तो झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स की जितना वो गंदगी है, वो सारी गंदगी भी अब सीवर की ना उसमें डाली जाएगी। पांचवा, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सीवर का पूरा नेटवर्क बिछा दिया गया है, लेकिन कई लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं लिए, और सीवर के कनेक्शन नहीं लेते और वो अपने घर की गंदगी जो है वो सीधे नाली में बहा देते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि सीवर नेटवर्क में, जिस एरिया में सीवर का नेटवर्क लग गया, वहाँ पे सीवर का नेटवर्क सरकार लगाती थी और इंडिविजुअल घरों को सरकार में अप्लाई करना पड़ता था, फिर हम परमिशन देते थे, फिर वो उसकी खुद जिम्मेदारी होती थी कि सीवर की लाइन से अपने घर तक का कनेक्शन लेने की, जो कि बहुत लोग लेते नहीं थे। अब हमने तय किया कि आपके घर के सीवर तक का कनेक्शन हम खुद ही लगा देंगे, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही आपके घर तक का सीवर कनेक्शन लगा देंगे, और जो भी नॉमिनल चार्जेस है, चार्जेस बहुत कम कर दिए गए हैं, वो आपके अगले पानी के जो बिल आएंगे उसमें इंस्टॉलमेंट्स में आपसे हम रिकवर कर लेंगे। तो अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पूरी ट्रांसयमुना एरिया जो है, यमुना पार वाला, ईस्ट दिल्ली वाला जो एरिया है, वो पूरा का पूरा सीवर नेटवर्क लग चुका है, लेकिन कितने सारा वहाँ से भी नालियों के अंदर कितना गंद बह रहा है। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं ले रखे, वो अपने घर की गंदगी नालियों में बहा देते हैं। तो अब उनको दिल्ली सरकार उनके घर तक के सीवर खुद लगाएगी, 100% सीवर अब आगे से दिल्ली सरकार लगाया करेगी। और छठा पॉइंट है, जितने मौजूदा हमारा सीवर नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क की डीसिल्टिंग, इसमें जितनी भी गंदगी पुरानी है, इस सारी की डीसिल्टिंग और इसकी रिहैबिलिटेशन का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि इसको स्ट्रेंदन किया जा सके। ये 6 पॉइंट्स का एक्शन प्लान है, जिसके जरिए हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर लेंगे। एक एक पॉइंट पे मेरी नजर रहेगी, एक एक पॉइंट पे स्पेसिफिक माइलस्टोन्स बनाए हैं कि ये काम
अगले 1 महीने में क्या होगा, फिर 2 महीने में कितना काम होगा, फिर अगले 4 महीने में कितना काम होगा, 15 दिन में माइलस्टोन्स हैं, इसके ऊपर मैं बड़ी कड़ी नज़र रखूँगा। इसकी टाइम लिमिट्स को हम वो नहीं होने देंगे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम सब दिल्ली वालों का सपना पूरा होगा, यमुना साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।